हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। आज ये वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, आपको सॉल्यूशन इसमें से मिल सकता है। देखिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है बहुत क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ वही प्रोडक्ट के साथ डील करना है। बोलते हैं ना कि शादी करने के जैसा है, कि आपको वही प्रोडक्ट के साथ लाइफ टाइम के लिए डील करना है। तो उसमें आपको सबसे पहले जो करना है वो है SWOT एनालिसिस, ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपको सबसे पहले SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यू आर गुड एट वॉट। तो कि आपका मार्केटिंग अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका सोर्सिंग अच्छा है, आपके पास बहुत पैसा अच्छा है, आपके पास बहुत टैलेंट है, क्या चीज़ है आपके पास जो आपको स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट उसमें से आपके पास क्या स्ट्रेंथ है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आपकी वीकनेस क्या है, कि आपका क्या प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपका एजुकेशन के बारे में, कि आप कोई मेडिकल प्रोडक्ट कर रहे हो, आपका एजुकेशन थोड़ा अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीख सकते हो, एवरीथिंग इट्स लाइक कैन बी लर्न, सो आप सीख सकते हो, नॉट एन इश्यू, बट ए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वीकनेस आपका क्या, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल बिजनेस में। आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल बिजनेस में। देखो अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके में एक एग्जाम्पल देखो, आप ही सोचिए कि आपके पास 5 साल पहले कितने शूज थे, मे बी 1, आज कितने हैं, 2, 3, 4। देखो आपका अगर 2 भी होगा तो 5 साल में शूज इंडस्ट्री डबल होगी, पॉपुलेशन डबल नहीं हुई है। तो आपके पास क्लोथ आज से 5 साल पहले कितने थे, आज उससे ज़्यादा है। और मोबाइल, कंपनी ने क्या सोचा होगा कि मोबाइल जो मार्केट है वो तो सब लोग एक ही रखेंगे, सब लोग दो, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल 2 लोग मोबाइल रखते हैं, आपको पता है, तो मार्केट जो है डबल हो गया। तो ये से जो है अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ने वाली है, डिमांड बहुत बढ़ने वाली है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया इज द बेस्ट प्लेस पीपल कैन गेट द प्रोडक्ट। तो जो दुनिया यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए आएगी, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बीइंग अ इंडियन हमारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करना है आपको, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, के यहाँ पे क्या क्या, चाइना कितना कॉम्पिटिटर है, क्या क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब आप एनालिसिस करो कि टॉप 10 प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है आपके लिए। अगर आपके पास लिमिटेड मनी है तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टॉप 10 प्रोडक्ट फॉर स्मॉल बजट में कौन सी एक्सपोर्ट हो सकती है, उसका मेरा अलग से वीडियो आएगा। तो आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस पूरा कीजिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बहुत सारे क्राइटेरिया है, कि कोई प्रोडक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, कोई प्रोडक्ट में कम इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो भी आपको देख के करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे कि आप फूड प्रोडक्ट में जाते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेट थोड़े ज़्यादा आते हैं उसमें रहता है, क्योंकि खाने की प्रोडक्ट है। फार्मा में थोड़े ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो आपको उस हिसाब से आपका क्या बैकग्राउंड रहा है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। आपको नॉर्मल चीज़ें करनी है तो आप हैंडीक्राफ्ट है, गारमेंट्स है, मशीनरी आइटम है, स्पेयर पार्ट है, ये सब प्रोडक्ट कर सकते हो। इसने इतनी जो है डिटेल में सर्टिफिकेशन वगैरह थोड़ा कम रहता है। फिर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो भी लगता है वो भी आप कर सकते हो। बहुत देखो ये प्रोडक्ट इतना रेंज है, मेरे एक क्लाइंट है, लाइक स्टूडेंट है मेरे, जो पुणे में है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्पेयर पार्ट का, और वो सिर्फ ब्रेक एक्सपोर्ट करते हैं, एक स्पेयर पार्ट जो बोलते हैं ब्रेक एक्सपोर्ट करते हैं, ओनली ट्रक का वगैरह का ब्रेक आता है वो। तो देखिए कितना जो प्रोडक्ट है कितना विशाल है, कि उसका मार्केट कितना विशाल है। तो आप डोर के लिए कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक के लिए कर सकते हो, तो आपको पर्सनलाइज चीज़ें कर सकते हो। और दूसरा एक चीज़ है B2B एंड B2C, तो आप B2B में भी बिजनेस कर सकते हो, B2C में भी बिजनेस कर सकते हो। तो पहले इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो B2C से स्टार्ट करिए, फिर आपको ऑर्डर बढ़ने लगे तब आप B2C में जा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोडक्ट जो सिलेक्ट करना है उसमें आपका जो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लोग आपके पास आपको ढूंढते हुए आएंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हुआ, बढ़िया प्रोडक्ट है, तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। तो जो आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है उसमें आप 2 लेवल पे काम कर सकते हो। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आपको करना है तो इनिशियली यू कैन सिलेक्ट द स्मॉल, जिसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगता है वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट
कर सकते हो और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो कौन सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाली कौन सी प्रोडक्ट है, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो आएगा, वो आप देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट में आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को पूरा जानकारी मिल सके। थैंक यू।